और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि महादेव सट्टा केस में साहिल खान हिरासत में है। बड़ी खबर है इस वक्त की, महादेव सट्टा केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर महादेव सट्टा केस में साहिल खान को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई एसआईटी ने जगदलपुर से हिरासत में लिया है साहिल खान को। बताते चले कि माटुंगा पुलिस थाने में 37 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर में सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, शुभम सोनी के नाम भी हैं। दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम का भी नाम सामने आया है। 15,000 करोड़ की सट्टेबाजी से जुड़ा ये मामला है। तो 15,000 करोड़ की सट्टेबाजी से जुड़ा ये मामला, जहां पर मुंबई एसआईटी ने साहिल खान को हिरासत में लिया है। महादेव सट्टा केस में बड़ा अपडेट निकल कर आया है। मुंबई एसआईटी ने साहिल खान को हिरासत में ले लिया है। 15,000 करोड़ की सट्टेबाजी से जुड़ा इस वक्त का मामला है। दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम का भी नाम इसमें जुड़ा है। और जैसे ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे ही प्रदेश में पेयजल संकट भी गहराने लगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पानी की किल्लत से परेशान लोगों को पानी के टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। अब लोगों का भी सब्र टूटने लगा है। पानी के लिए प्रदेश भर में लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चढ़ते पारे के साथ ही प्रदेश में पानी की समस्या विकराल हो चुकी है। पानी की समस्या से परेशान अब लोगों का सब्र का बांध भी टूटने लगा। पानी के लिए कहीं टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन हो रहा, तो कहीं सड़कों पर जाम लगाकर लोग अपना विरोध जता रहे। ये तस्वीरें हैं दौसा के मंडावर उपखंड के गांव सायपुर पाखर की, जहां पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण और महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर विरोध जताया। सूचना पर मौके पर पहुंची मंडावर थाना पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर टंकी से नीचे उतरवाया। वहीं मौके पर मौजूद जलदाय अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस समस्या का हल 2 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या का हल नहीं होने पर वो दोबारा से विरोध जताएंगे। पानी के लिए प्रदर्शन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई अलवर शहर से, जहां पानी की मांग को लेकर जनता अब सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है। शुक्रवार रात अलवर जयपुर रोड पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 32 की महिलाओं के साथ स्थानीय पार्षद बीना नरुका ने पानी की मांग को लेकर जाम लगा दिया, जिससे काफी देर तक जाम की परिस्थिति बनी रही। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग उनकी एक नहीं सुन रहा और उन्हें पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा। वहीं लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में बोरवेल चालू किया गया। पानी की समस्या इस वार्ड में न्यू फ्रेंड्स को 20 साल समस्या है, यानी कि यहाँ टैंकरों से ही पानी आता है, तो पानी की वजह से तो परेशान है। टैंकरों से कभी पानी आ रहा, बोरिंग लग चुकी है, तो फिर सबको चाहिए ना, बोरिंग लगी है, हमें फिर पानी नहीं मिल रहा है, तो इन शिकायत को मार। ठीक है। झुंझुनू जिले के बुहाना कस्बे के वार्ड संख्या 3, 4 और 6 समेत अन्य मोहल्लों में पिछले 1 महीने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई। पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हो रही। पानी की किल्लत से उनका आधा दिन पानी के प्रबंधन करने में ही निकल जा रहा। ऐसे में परेशान होकर महिलाएं जलदाय विभाग पहुंच गई और अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर मौजूद जेएन पीयूष मेघवाल ने आक्रोशित महिलाओं से बात कर जल्द पानी की आपूर्ति कराने का आश्वासन दिया। उधर पाली जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 दिनों में एक बार पेयजल सप्लाई हो रही, जिसके चलते ग्रामीणों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा। जिले के सोजत उपखंड के गांवों के पानी की समस्या के चलते हालात खराब है और पेयजल समस्या के ही चलते सोजत घुरासनी गांव के लोगों ने तो 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान का बहिष्कार तक कर दिया। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। तस्वीरें भले ही अलग अलग हो, लेकिन समस्या और शिकायत एक ही है, पानी की आपूर्ति की। और शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग इन पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर पानी की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या और विकराल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तमाम खबरों के साथ महारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।